हेलो दोस्तों, रेडी टू डाइव इनटू अ वर्ल्ड वेयर ड्रीम्स मीट रियलिटी। क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक लेजेंडरी जर्नी कार स्ट्रीट और लैम्बोर्गिनी के साथ, एक ऐसे एडवेंचर पर जो आपने पहले कभी नहीं देखा। अब बात करते हैं लैम्बोर्गिनी की, जो इसी शोरूम के अंदर थी, जिसकी मैंने की लेकर उसको स्टार्ट किया। लैम्बोर्गिनी को 1963 में पेरुसियो इटालियन डिजाइनर ने डिजाइन दिया, फिर ऑटोमोटिव वर्ल्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। मियूरा से शुरू हुई जर्नी, कॉन्टैक्ट और अवेंटेडोर तक का सिलसिला, लैम्बोर्गिनी ने लग्जरी और परफॉर्मेंस का नया डेफिनेशन दिया। लैम्बोर्गिनी का हर मॉडल एक मास्टरपीस है। लैम्बोर्गिनी हुरैकन जो टेक्नोलॉजी और थ्रिलिंग परफॉर्मेंस का, और लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर जो लग्जरी पावर का अल्टीमेट सिंबल है। लिटरली डोर वाला मॉडल जो लैम्बोर्गिनी का बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम और पावरफुल है ये। लेकिन जो ये वाली है वो है हुरैकन इवो एलपी 610। ये कार 2013 में लॉन्च हुई थी और तब से लेकर ये रोड्स पर एक स्टॉर्म की तरह चली आई है। तो चलिए इस सुपर कार के हर एक फीचर को डिटेल में देखते हैं। अनलॉक करते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, ये देखना, अभी अनलॉक करा था ना, तो क्या होता है यहाँ पर एकदम से बंद होता है, ये ओपन होता है। तो इसका बैक से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी है पहले। ये बैक से लैम्बो ऐसी है कुछ दिखने में, और पोर्श वैसी थी जो मैंने आपको दिखाई थी ना। आप सब सुनकर हैरान हो जाएंगे कि लैम्बोर्गिनी हुरैकन का नाम स्पेनिश फाइटिंग बुल के नाम पर रखा गया था। हाँ बिल्कुल, एक बुल जो फाइटिंग बुल था, जो करेज और पावर के लिए जाना जाता था। और हुरैकन इवो एलपी 610 इस लेजेंसी को कंटिन्यू करता है। यह बीस एक 5.2 लीटर V10 इंजन से पावर्ड है, जो 610 की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड बस 2.5 सेकंड में ही पकड़ लेती है। इस हुरैकन के अंदर है 7 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, जो आपको परफॉर्मेंस मोड्स के साथ थ्रिल का एक बेस्ट एक्सपीरियंस देता है। स्पोर्ट, स्टाडा और कोर्स, हर मोड का अपना अलग फील और ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है। पर ये सुपरकार सिर्फ परफॉर्मेंस तक ही लिमिटेड नहीं है। इसका डिजाइन जो फिलिपो पेरिनी और पिट्चा ब्रोकट ने बनवाया, वो भी इक्वल स्ट्रीमिंग है। ये कार टू डोर और कन्वर्टेबल स्टाइल में अवेलेबल है, और हर एंगल से ये कार एक मास्टरपीस लगती है। इंटीरियर भी कम नहीं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। TFT वर्चुअल कॉकपिट, लैम्बोर्गिनी इंफोटेनमेंट सिस्टम और फुल LED हेडलैम्प्स, सब कुछ हाईटेक और लग्जरियस है। और ये कार एक मैग्नेटिक सस्पेंशन सिस्टम से क्यूप्ड है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा स्मूथ और कंट्रोल्ड बनाता है। हुरैकन का ड्रैग कोएफिशिएंट है 0.39, जो कि एरोडायनेमिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कार 325 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड कैच कर सकती है, पकड़ सकती है, और रेसिंग ट्रैक के लिए डिजाइन है। कई लोगों को लगता है कि ये लैम्बोर्गिनी कार सिर्फ परफॉर्मेंस और स्पीड के लिए है, लेकिन ये गलत है। क्योंकि जब मैं खुद इस कार के अंदर बैठा था, तो लिटरली इतना प्रीमियम फील आया अंदर से। इसका इंटीरियर कंफर्ट और लग्जरी भी बहुत ज्यादा था। एडवांस इंफोटेनमेंट और कस्टमाइज्ड ऑप्शंस और सब कुछ एक लग्जरी एक्सपीरियंस के लिए। और जो मेरा फेवरेट था वो है स्टार्ट बटन। इसका बिल्कुल डिफरेंट स्टार्ट बटन लगा। और इस कार के अंदर जो सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट एक और फीचर, जो इसके पैडल शिफ्टर। और इस कार को मैंने प्रॉपरली फील किया, इस कार को मैंने स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो लैम्बोर्गिनी के ऊपर बनाई थी। फ्रेंड्स, इसके बाद मेरी अगली वीडियो मिली। सो फ्रेंड्स, अगली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, एक मिनट वेट करो, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो जानों को, जिससे मेरी वीडियो की हाइप जरूर आएगी बहुत ज्यादा।